गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग सब। आज हम लोग सेमेस्टर टू का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है दान का हिसाब, वो स्टडी करेंगे। तो दान का मतलब होता है कि अगर हमारे पास कोई चीज़ है, पैसे हैं, तो अगर हम वो किसी ज़रूरतमंद को गिफ्ट में दे दें तो उसे हम लोग दान बोलते हैं। तो ऐसा ही हमारा चैप्टर है दान का हिसाब। एक था राजा। राजा जी लगदग कपड़े पहनकर यूं तो हजारों रुपये खर्च करते रहते थे, पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। लगदग का मतलब होता है वो हर टाइम वो गहनों में और हैवी कपड़ों में ही रहते थे, लेकिन जब किसी को दान देना पड़े या कुछ ऐसा ज़रूरतमंद उनके पास आए तो उसे देने के लिए वो पीछे हट जाते थे, वो उनको पैसे या कुछ भी नहीं देते थे। राज्यसभा में एक से एक नामी लोग आते रहते थे, लेकिन गरीब, दुखी, विद्वान, सज्जन इनमें से कोई भी नहीं आता था, क्योंकि वहाँ पर इनका बिल्कुल भी सत्कार नहीं किया जाता था। मतलब वहाँ पर जो बड़े लोग थे वो तो आते थे, लेकिन वहाँ पे कोई गरीब था जो मतलब ज़रूरतमंद था वो कभी भी नहीं आता था, क्योंकि वो लोग वहाँ पे जाते थे तो राजा जी उनकी इंसल्ट करते थे। अगर उन हम लोग अगर हमारे पास कोई भी भिखारी आए या कुछ भी कोई मांगने आए तो हम लोग उनको मदद करते हैं ना, लेकिन राजा जी उनके पास इतने पैसे थे फिर भी वो किसी को हेल्प नहीं करते थे, पर उनकी इंसल्ट करते थे, तो वो लोग वहाँ पर जाने से डरते थे। एक बार उस देश में अकाल पड़ गया। पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। राजा के पास खबर आई, वे बोले यह तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। तो उस बार एक बार वहाँ पर अकाल पड़ गया। अकाल मतलब सूखा। वहाँ पे खाने पीने के लोगों को बहुत ही तकलीफ होने लगी। उन लोगों के पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था, तो उन लोगों ने राजा जी को जाकर बोला कि आप लोग हमारी मदद करो। लेकिन राजा ने क्या बोला कि मैं कैसे मदद कर सकता हूँ, आप लोगों को भगवान की मार है, ये तो आपको भगवान ने आपको मतलब सजा दी है कि इसलिए ऐसा सब हुआ है, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। राजा को उनकी हेल्प करनी चाहिए थी ना, लेकिन राजा ने उनको ऐसा बोला। लोगों ने कहा, महाराज, राजभंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करें, जिससे हम लोग दूसरे देशों में अनाज खरीदने अपनी जान बचा सके। तो जो वहाँ के लोग थे उन्होंने बोला कि राजभंडार में इतना सारा धन है, इतना धन तो आप लोग के कुछ काम भी नहीं आएगा, तो थोड़ा बहुत आप हम लोगों को दे दो तो उससे हमारी बहुत सारी सहायता हो जाएगी, तो वो पैसों से हम दूसरे देश में या दूसरी जगह पर जाके अनाज ला सके, तो जिससे हम लोगों को थोड़ी हेल्प हो जाए, तो हमारे बच्चे हैं जो हमारे घर में बूढ़े हैं वो लोग थोड़ा बहुत भी उनको खाना खा सके, तो जिससे हम लोग जिंदा रह सके। राजा ने कहा, आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, कल पता चलेगा कहीं भूकंप आया है, परसों सुनूंगा कहीं के लोग बड़े गरीब हैं, दो वक्त की रोटी नहीं जुटती। इस तरह सभी की सहायता करते करते जब राजभंडार खत्म हो जाएगा तब खुद ही मैं दिवालिया हो जाऊंगा। तो राजा ने बोला कि आज तुम लोगों को पैसों की ज़रूरत है, कल आप लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं होगा, या कल आप लोग बोलोगे कि मैं गरीब हूँ, तो ऐसा ही चलता रहा तो कि मेरे सारे पैसे ख़त्म हो जाएंगे। कभी सुना है कि राजा के पैसे ख़त्म हो गए? राजा पास तो इतना सारा धन होता है तो वो सब ज़रूरतमंदों को हेल्प कर सकता है, लेकिन फिर भी उसने वो लोगों की हेल्प तो नहीं की, उल्टा उन लोगों को ऐसा बोला कि ऐसे ही मैं तुम्हारी मदद करता रहा तो मेरे भी सारे पैसे ख़त्म हो जाएंगे। इस तरह सभी की सहायता करते करते जब राजभंडार खत्म हो जाएगा तब मैं खुद ही दिवालिया हो जाऊंगा। यह सुनकर सभी निराश होकर लौट गए। तो ये बात सुनकर राजा की वहाँ से जो लोग उन सबको उम्मीद थी कि राजा उनकी मदद करेगा, लेकिन राजा ने तो मदद की नहीं, उल्टा उन लोगों को ऐसा भला बुरा सुनाया, तो वो लोग सब वहाँ से निराश होकर चले गए। इधर अकाल का प्रकोप फैलता ही जा रहा था। ना जाने रोज कितने ही लोग भूख से मरने लगे। लोग फिर राजा के पास पहुँचे। उन्होंने राज्यसभा में गुहार लगाई, दुहाई महाराज, आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते, सिर्फ 10,000 रुपये हमें दे दो तो हम आधा पेट खाकर भी जिंदा रह जाएंगे। तो जो लोग थे वहाँ पे उनका भूख मरा और वो सब बढ़ता ही जा रहा था। जो अकाल था उसका प्रकोप मतलब जो वो ज़्यादा का ज़्यादा होता जा रहा था। तो वो लोग फिर से राजा के पास पहुँचे और उन्होंने राजा जी से कहा कि हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 10,000 रुपये दे दो तो हम लोग खाना खा सके और आधा पेट भी खाना खाकर हम लोग सो जाएंगे। 10,000 रुपये पूरे गाँव के लिए वो लोग मांग रहे थे, फिर भी राजा ने उनको देने से मतलब इनकार कर दिया कि 10,000 इतना कष्ट लेकर जीना है तो फिर आप लोग जियो ही मत। राजा ने कहा, 10,000 रुपये भी क्या कम तुम्हें बहुत कम लग रहे हैं, और उतना कष्ट से जीवित रहकर लाभ ही क्या है। तो
राजा ने उल्टा उन्हें ऐसा बोला कि इतने ज्यादा पैसों का तुम लोगों को कम लग रहे हैं, तो इतने पैसे लेकर भी जीना है और इस कष्ट में जीना है तो इससे अच्छा तुम जियो ही मत। अगर हमारे घर में किसी को भी कुछ पैसों की जरूरत हो या कुछ भी हो हमारे आसपास में, तो हम लोग उनको तुरंत मदद करते हैं, तो ताकि उनको, उनके बच्चे हैं, उनके घर में जो भी लोग हैं वो लोग भूखे ना रहें और उनकी जरूरियातें पूरी हो। तो लेकिन ये तो राजा था, राजा का तो फर्ज बनता है कि सब लोगों की वो हेल्प करे, लेकिन उसने तो 10,000 देने में भी मना कर दिया कि नहीं मैं तो 10,000 दूं, इससे तो इतना कष्ट लेकर तुम लोग जी रहे हो, इससे अच्छा तुम लोग जियो ही मत। एक व्यक्ति ने कहा, भगवान की कृपा से लाखों रुपए राजकोष में मौजूद हैं, जैसे धन का सागर हो, उसमें से एक आधा लोटा ले लेने से महाराज का क्या नुकसान हो जाएगा। तो वहाँ पे एक इंसान था, उसने ऐसे ही कहा कि राजकोष में तो लाखों से रुपए हैं, राजा के पास तो कितने सारे पैसे होते हैं, वो लोग इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, इतने अच्छे अच्छे ज्वेलरीज पहनते हैं, तो उनके पास तो होता ही है धन। तो किसी ने बोला कि अगर राजा इतने में से थोड़ी सी मदद कर देगा तो उनको कोई नुकसान नहीं होगा, जैसे समुंदर में से एक लोटा पानी कम होता है तो कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, वैसे ही राजा के पास से थोड़ा सा धन कम हो जाएगा तो राजा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर भी राजा जी पैसे देने से इनकार कर रहे हैं। राजा ने कहा, राजकोष में अधिक धन है तो क्या उसे दोनों हाथों से लुटा दूं। तो राजा ने उल्टा वो इंसान को ऐसा कहा कि राजकोष में इतना पैसा है तो क्या मैं किसी को भी लुटा दूं। लेकिन राजा की तो फर्ज बनती थी कि वो पैसे दे, लेकिन फिर राजा ने उन पे ही ऐसा सवाल किया कि पैसा है तो क्या मैं सबको लुटाता फिरूं। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, महल में प्रतिदिन हजारों रुपये इन सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट में खर्च होते हैं, यदि इन रुपयों में से ही थोड़ा सा धन जरूरतमंदों को मिल जाए तो उन दुखियों की जान बच जाएगी। तो वहाँ पर एक और इंसान था, उसने कहा कि महल में रोज इतना सारा खर्च होता है, इतने महंगे महंगे ज्वेलरीज में, कपड़ों में, इतने अच्छे अच्छे चीज़ों में, तो उसमें से थोड़ी सी चीज़ें अगर ये ज़रूरतमंदों को दे दी जाए तो किसी को नुकसान तो होगा नहीं। राजमहल में सब जो वहाँ के मतलब राजा होते हैं, उनके जो सारे फैमिली मेंबर्स होते हैं, जितने भी होते हैं, वो मंत्री, वो लोग भी सब इतने अच्छे अच्छे कपड़े सब कुछ पहनते हैं, तो वो सब में से थोड़ा सा जो ज़रूरतमंद लोग थे उनको दे देंगे, तो राजा को तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। फिर भी राजा ने उनको देने से मतलब वो मान ही नहीं रहा था। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया, वह गुस्से से बोला, खुद भिखारी होकर मुझे उपदेश दे रहे हो, मेरा रुपया है, मैं चाहे उसे उबाल कर खाऊं चाहे तल कर, मेरी मर्जी। तो राजा वो जो इंसान था उस पर गुस्सा हो गया कि अगर तुम खुद तो भिखारी हो और मुझे उपदेश दे रहे हो कि मुझे मेरे पैसों का क्या करना है, कि मैं उसका कैसे भी यूज कर सकता हूं, वो मेरी मर्जी है, तुम मुझे कहने वाले कौन होते हो। तुम अगर इसी तरह बकवास करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे, इसलिए इसी वक्त तुम चुपचाप खिसक जाओ। खिसक जाओ मतलब चले जाओ। राजा ने कहा कि तुम इसी तरह से यहाँ खड़े होकर ऐसी बकवास करते रहोगे और ऐसी बातें करते रहोगे तो तुम प्रॉब्लम में पड़ जाओगे, इससे अच्छा है मुझे ज़्यादा गुस्सा आए उससे पहले तुम लोग यहाँ से चले जाओ। राजा ने वो लोगों को उपदेश दिया। राजा का क्रोध देखकर लोग वहां से चले गए। राजा हंसते हुए बोले, छोटा मुंह बड़ी बात, अगर 100-200 रुपये होते तो एक बार सोच भी सकता था, पहरेदारों की खुराक 2-4 दिन कम कर देता और यह रकम पूरी भी हो जाती, मगर 100-200 से इन लोगों का पेट नहीं भरेगा, एकदम 10,000 मांग बैठे, छोटे लोगों के कारण नाक में दम हो गया है। राजा ने कहा कि छोटा मुंह बड़ी बात, मतलब वो लोग जो मांगने आए थे उनको कहा कि ये लोगों की खुद की तो कोई वो है नहीं औकात, और वो मेरे पास मांगने आए हैं और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर कि वो लोग मुझे सिखा रहे हैं कि अगर जो 100-200 रुपए होते तो मैं सोच भी सकता था, पहरेदारों की 1-2 दिन खुराक बंद कर देता और वो लोगों को दे देता थोड़े से पैसे, लेकिन ये लोगों को तो 10,000 रुपये चाहिए थे कि इतने तो मैं कहाँ से लाऊं, कि ये लोगों ने, ये छोटे लोगों ने मतलब वो जो मांगने आए थे उन लोगों को उन्होंने बोला। राजा ने कहा ये लोगों ने, छोटे लोगों ने मेरी नाक में दम करके रख दिया है। यह सुनकर वहाँ उपस्थित लोग हाँ हो कहकर रह गए, मगर मन ही मन में उन्होंने भी सोचा, राजा ने यह ठीक नहीं किया, जरूरतमंदों की सहायता करना तो राजा का कर्तव्य है,
तो वहाँ पे जो लोग थे वो लोगों ने मतलब ऊपर ऊपर से राजा की बात से वो लोग एग्री करने लगे, लेकिन अंदर ही अंदर वो लोग सब सोच रहे थे कि राजा ने जो किया वो गलत किया। जरूरतमंदों की हेल्प करना तो राजा का कर्तव्य होता है। हम जैसे अभी के टाइम में ऐसा है कि जो हमें किसी भी हमारी गवर्नमेंट है कुछ भी हमें हेल्प चाहिए तो हम लोग उनकी हेल्प ले सकते हैं, या हमें कुछ भी मदद की ज़रूरत हो तो वो लोग हमारे काम आते हैं। वैसे ही उस टाइम में राजा का भी कर्तव्य होता था कि उनकी जो वहाँ की जनता है उसे वो लोग वो मदद करें। तो वो लोग सब अंदर अंदर सोचने लगे कि राजा का तो कर्तव्य है ज़रूरतमंदों की मदद करना, कि राजा ने ये ठीक नहीं किया। दो दिन बाद न जाने कहां से एक बूढ़ा सन्यासी राजसभा में आया। उसने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, दाता कर्ण महाराज, बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ, सन्यासी की इच्छा भी पूरी कर दो। तो दो दिन के बाद वहां पे एक सन्यासी आया, जो साधु संत होते हैं वो मतलब वहां पे ऐसा ही एक सन्यासी वहां पे आया और उसने कहा कि राजा जी, मैं आपकी बड़ी ही प्रसिद्धि मतलब आपकी बहुत ही तारीफ सुन के यहां पे आया हूं कि आप कर्ण जैसे, कर्ण एक बहुत ही दिलदार था, वो बहुत ही दान करता था, ऐसे ही तुम्हें कर्ण जैसे इंसान हो जो बहुत दान देते हो और एक अच्छे इंसान हो, तो मैं आपकी तारीफ सुन के यहाँ तक आया हूँ। अपनी प्रशंसा सुनकर राजा बोले, जरा पता तो चले तुम्हें क्या चाहिए, यदि थोड़ा कम मांगो तो शायद मिल भी जाए। तो राजा अपनी प्रशंसा तारीफ सुनकर खुश हो गया और उसने पूछा कि तुम मेरी इतनी तारीफ कर रहे हो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, कि अगर कुछ थोड़ा कम चाहिए तो मैं तुम्हें दे दूंगा, कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए। सन्यासी ने कहा, मैं तो सन्यासी हूँ, मैं अधिक धन का क्या करूँगा, मैं राजकोष से 20 दिन तक बहुत मामूली भिक्षा प्रतिदिन लेना चाहता हूँ। मेरा भिक्षा लेने का नियम इस प्रकार है, मैं पहले दिन जो लेता हूँ दूसरे दिन उसका दुगुना, फिर तीसरे दिन उसका दुगुना, फिर चौथे दिन तीसरे दिन का दुगुना। तो जो सन्यासी था उसने कहा कि मेरी भिक्षा एकदम मामूली है, कि जैसे कि आज मैं आपसे जो भिक्षा लूँगा उसका 20 दिन तक उसका दोगुना रोज लेता रहूँगा। तो ये राजा को तब तो बहुत कम लगा, लेकिन राजा को पता नहीं था कि ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा 20 दिन तक में। इस तरह से प्रतिदिन दुगुना लेता जाता हूँ, भिक्षा लेने का मेरा यही तरीका है। तो वो सन्यासी ने बोला कि मैं इसी तरह से भिक्षा लेता हूँ। राजा बोला, तरीका तो समझ गया, मगर पहले दिन का कितना लेंगे यही असली बात है। 2-4 रुपए से पेट भर जाता है तो अच्छी बात है, मगर एकदम से 20-50 मांगने लगे तब तो 20 दिन में काफ़ी बड़ी रकम हो जाएगी। तो राजा ने बोला कि अगर आपको 2-3-4 रुपए से कम रकम चाहिए तो फिर कोई बात नहीं, फिर मैं 20 दिन तक आपको रोज़ उसका दोगुना देता रहूँगा। लेकिन अगर आपको 20-50-60 एक साथ आप इतने सारे रुपये मांग लोगे तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा। सन्यासी ने हंसते हुए कहा, महाराज मैं लोभी नहीं हूँ, आज मुझे 1 रुपया दीजिए, फिर 20 दिन तक दोगुने करके देते रहने का हुक्म दे दीजिए। तो सन्यासी ने बोला कि मैं लोभी नहीं हूँ, लोभी मतलब लालची नहीं हूँ, कि आज आप मुझे 2 रुपये दीजिए और उससे रोज़ दोगुना 20 दिन तक देने का आपके जो मंत्री हैं उनको आदेश दे दीजिए कि रोज़ मुझे आप इससे दोगुना रोज़ 20 दिन तक देते रहें। यह सुनकर राजा, मंत्री और दरबारी सभी की जान में जान आई। राजा ने हुक्म दे दिया कि सन्यासी के कहे अनुसार 20 दिन तक राजकोष से उन्हें भिक्षा दी जाती रहे। तो ये सुनकर सब लोग खुश हो गए कि नहीं इतना कम ही है। तो उन्होंने राजा ने वहाँ के जो मंत्री थे सबको आदेश दे दिया, मतलब ऑर्डर दे दिया कि 20 दिन तक ये जो सन्यासी है उनको इसका रोज का 2 गुना हम लोगों को देना है। राजा के आदेश अनुसार राजभंडारी प्रतिदिन हिसाब करके सन्यासी को भिक्षा देने लगे। इस तरह 2 दिन बीते, 10 दिन बीते, 2 सप्ताह तक भिक्षा देने के बाद भंडारी ने हिसाब करके देखा कि दान में काफ़ी धन निकला जा रहा है। यह देखकर उन्हें उलझन महसूस होने लगी, महाराज तो कभी किसी को इतना दान नहीं देते। उसने यह बात मंत्री को बताई, जो मतलब वहाँ का भंडोरी था, जो पैसे का हिसाब रखता था, उसने रोज़ पैसे देने का चालू किया, एक दिन 2 दिए, दूसरे दिन उससे डबल दिए, तो ऐसा करते करते 10 दिन हो गए। फिर उसने सोचा कि ये तो मतलब यहाँ से बहुत सारा धन जा रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि राजा तो किसी को इतना धन देते नहीं है दान में, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है। फिर उसने ये बात मंत्री को बताई कि यहाँ से राज भंडोर में से पैसा धीरे धीरे कम होता जा रहा है।
मंत्री ने कुछ सोचते हुए कहा, वाकई यह बात तो पहले ध्यान में ही नहीं आई थी, मगर अब कोई उपाय भी नहीं है, महाराज का हुक्म बदला नहीं जा सकता। तो मंत्री ने कहा कि यह बात तो हमें पहले समझ ही नहीं आई कि इतना सारा पैसा जा रहा है, और अब राजा ने हुक्म दे दिया तो हम लोग इसे बदल भी नहीं सकते, कि राजा का हुक्म हम मतलब वो मना भी नहीं कर सकते कि राजकोष से इतना पैसा जा रहा है तो अब सन्यासी को देने से मना कर दो। वो तो अब जैसा पहले बोला था, राजा ने उसे हुक्म दे दिया था और उसे वादा किया था कि रोज़ के हम 2 गुने तुम्हें पैसे देते रहेंगे, तो वो 20 दिन होते होते तो 10 लाख जैसे हो जाएंगे, क्योंकि आज 2 दिए, कल 4 दिए, फिर उसका डबल, इस तरह से 20 दिन में तो कितनी सारी रकम हो जाएगी। पर लेकिन ये लोगों ने पहले से सोचा ही नहीं था। इसके बाद फिर कुछ दिन बीते, भंडारी फिर हड़बड़ाता हुआ मंत्री के पास पूरा हिसाब लेकर आ गया। हिसाब देकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया, वह अपने पसीना पोंछकर सिर खुजालकर दाढ़ी में हाथ फेरते हुए बोला, यह क्या कह रहे हो, अभी से इतने धन चला गया है तो फिर 20 दिनों के अंत में कितने रुपये होंगे। तो जो राजभंडोरी था वो फिर से मंत्री के पास आया और उसने बोला कि देखो यहाँ से कितना पैसा जा रहा है। तो मंत्री ने कहा, मंत्री मतलब बहुत ही टेंशन में आ गया और उसे वो अपने पसीना पूछने लगा कि अभी इतने पैसे जा रहे हैं तो 20 दिन होते होते तो राजभंडोर का सारा पैसा ही खत्म हो जाएगा। भंडारी बोला, जी पूरा हिसाब तो नहीं किया है। मंत्री ने कहा, तो तुरंत बैठकर अभी पूरा हिसाब करो। तो मंत्री ने पहले उससे कहा था भंडोरी से कि कितना हिसाब हुआ है मुझे देखकर बताओ। तो फिर मंत्री भंडारी बोला कि अभी मैंने हिसाब तो नहीं किया है, मैं आपको हिसाब करके बताता हूँ। भंडारी हिसाब करने बैठ गया। मंत्री महाशय अपने माथे पर बर्फ की पट्टी लगा कर तेजी से पंखा जलवाने लगे, मतलब वो तेजी से पंखा चलवाने लगे। मंत्री इतने टेंशन में आ गए थे कि इतने पैसे अभी से जा रहे हैं तो 20 दिन होते होते तो क्या हालत होगी, इसलिए वो सोच कर ही टेंशन में आ गया था। कुछ ही देर में भंडारी ने पूरा हिसाब कर लिया। मंत्री ने पूछा, कुल मिलाकर कितना हुआ। भंडारी ने हाथ जोड़कर कहा, जी 10,48,575 रुपये हो गए हैं। तो भंडारी हिसाब करके आया तो उसने बोला कि मंत्री ने पूछा कि कितना हुआ है पैसा, तो 10 दिन में ही 10 लाख ऊपर पैसे हो चुके थे, कि मतलब 20 दिन के 10 लाख रुपये हो जाएंगे। तो वो मंत्री गुस्से हो गया कि 20 दिन के 10 लाख रुपये, तो फिर राजभंडोर से सारा धन ऐसे तो खत्म हो जाएगा, कैसे हो सकता है। मंत्री गुस्से में बोला, मजाक कर रहे हो, यदि सन्यासी को इतने रुपए दे दिए तब तो राजकोष खाली हो जाएगा। तो मंत्री गुस्से में बोला कि ये तुम मजाक में बोल रहे हो कि अगर हमने इतने पैसे वहाँ पे दे दिए सन्यासी को तो राजभंडोर में तो पैसा ही नहीं रहेगा, कि सारा पैसा अगर उसने बोला कि हम लोग वो सन्यासी को ही दे देंगे तो फिर राजभंडोर में क्या करेंगे हम लोग। भंडारी ने कहा, मजाक क्यों करूंगा, आप ही हिसाब देख लीजिए। यह कहकर उसने हिसाब का कागज मंत्री जी को दे दिया। हिसाब देकर मंत्री जी को चक्कर आ गया, सभी उन्हें संभाल कर बड़ी मुश्किलों से राजा के पास ले गए। तो भंडारी ने कहा कि मैं क्यों ऐसा मजाक करूंगा, भले आप खुद ही देख लीजिए कि इतना पैसा कहाँ जा रहा है। तो मंत्री ने जब वो पैसा देखा और हिसाब देखा तो वो खुद मतलब बेहोश हो गया कि इतना सारा पैसा सिर्फ वो एक सन्यासी को चला गया है, और राजा तो इतना कंजूस था कि उसे 10,000 देने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, तब 10 लाख रुपए का उसे पता चलेगा तो वो कितना वो हो जाएगा कि मैंने एक सन्यासी को 10 लाख रुपए दान में दे दिए। राजा ने पूछा, क्या बात है। मंत्री बोले, महाराज राजकोष खाली होता जा रहा है। राजा ने पूछा, वह कैसे। मंत्री की ऐसी हालत देखकर राजा ने क्या बोला कि मंत्री जी ये क्या हो गया। तो मंत्री ने हड़बड़ाते हुए मतलब घबराहट से बोला कि राजकोष खाली होता जा रहा हो रहा है, कि राजकोष में पैसे खत्म होते जा रहे हैं। तो राजा ने पूछा कि वह कैसे। मंत्री बोला, महाराज सन्यासी को आपने भिक्षा देने का हुक्म दे दिया। मगर अब पता चला कि उन्होंने इस तरह राजकोष से करीब 10 लाख रुपए झटकने का उपाय कर लिया है। तो राजा को मंत्री ने बोला कि आपने वो सन्यासी को हुक्म दे हम लोगों को हुक्म दिया था कि हम लोगों को सन्यासी को पैसे देने हैं, लेकिन वो रोज़ का 2 गुना लेता जा रहा है, तो इस वजह से उसने वो मतलब उसने डिसीजन ले लिया कि वो राजकोष को ऐसे तो ख़त्म कर देगा कि रोज़ इतने पैसे ले रहा है तो हमारा राजकोष ख़त्म होता जा रहा है वो, और उसके पास पैसे बढ़ते जा रहे हैं।
राजा ने गुस्से से कहा, मैंने इतने रुपये देने का आदेश तो नहीं दिया था, फिर इतने रुपये क्यों दिए जा रहे हैं, भंडारी को बुलाओ। तो राजा ने गुस्से से बोला कि मैंने तो इतने पैसे देने का आदेश दिया ही नहीं था, तो इतने पैसे जा कहाँ रहे हैं, भंडारी को बुलाओ। देखो ये दान का हिसाब तो उसने जब बोला था सन्यासी ने पहला दिन 1 रुपया, फिर उसने बोला था कि दूसरे दिन मैं उससे डबल लूंगा, तो दूसरे दिन 2 रुपये, फिर तीसरे दिन 4 रुपये, इस तरह से बढ़ते बढ़ते 20 दिन में 10 लाख रुपये हो गए। रोज का मतलब वो डबल डबल लेता जा रहा था, आज 1 रुपया लिया तो फिर कल वो 2 लेगा, फिर 2 के डबल वो परसों 4 रुपये लेगा। लेकिन राजा को इस बात का अंदाज़ा नहीं था, राजा को ऐसा था कि वो सिर्फ उसे रोज दो ऐसे मतलब आज 1 रुपया दिया कल 2-3 इस तरह से ही देने हैं। मंत्री ने कहा, जी सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार ही हुआ है, आप खुद देख लीजिए। राजा ने उसे एक बार देखा, दो बार देखा, इसके बाद वह बेहोश हो गया। काफ़ी कोशिशों के बाद उनके होश में आ जाने पर सन्यासी को बुलाने दौड़े। मतलब राजा ये सब देखकर बेहोश हो गया, उसने सोचा कि ये मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। तो और वो ये देख कर उसका दिमाग चकराने लगा और वो बेहोश हो गया। उसे जैसे तैसे करके राजा को वो लोग होश में लाए और फिर वो लोग सब सन्यासी को बुलाने दौड़े कि सन्यासी ने ये क्या कर दिया कि पूरा राजभंडोर ही खाली कर दिया। सन्यासी के आते ही राजा रोते हुए उनके पैरों पर गिर पड़ा, बोला, दुहाई है सन्यासी महाराज, मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए, जैसे भी हो एक समझौता करके मुझे वचन से मुक्त कर दीजिए। तो राजा ने तो सन्यासी को वचन दे दिया था, तो वो रोते हुए सन्यासी के पैरों में गिर गया और उसने सन्यासी से कहा कि आप जो भी हो कि थोड़ा बहुत समझौता करके मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझे ये वचन से मुक्त कर दीजिए कि अगर मैं आप पे इतना पैसा लुटा दूंगा तो मेरे राजकोष में कुछ बचेगा ही नहीं। अगर आपको 20 दिन तक भिक्षा दी गई तो राजकोष खाली हो जाएगा, फिर राजकाज कैसे चलेगा। रोते हुए राजा ने वो सन्यासी से कहा कि अगर मैं आपको 20 दिन तक इतने पैसे देता रहा तो फिर हम लोगों के पास खाने के भी पैसे नहीं बचेंगे, पूरा राजकोष ही खत्म हो जाएगा। सन्यासी ने गंभीर होकर कहा, इस राज्य में लोग अकाल से मर रहे हैं, मुझे उनके लिए केवल 50,000 रुपये चाहिए, वह रुपया मिलते ही मैं समझूंगा कि मेरी पूरी भिक्षा मिल गई है। तो सन्यासी ने मतलब राजा ने तो वो लोगों को 10,000 रुपये देने से भी मना कर दिया था, लेकिन ये सन्यासी तो 50,000 रुपये मांग रहा था। उन्होंने बोला सन्यासी ने कि ये जो गांव है वहाँ के लोग सब मर रहे हैं, उनके पास खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ऐसे तो ये लोग मरते जा रहे हैं, तो मुझे जैसे ही 50,000 रुपये मिल जाएंगे तो मैं समझूंगा कि मेरी भिक्षा मिल गई, तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। राजा ने कहा, परंतु उस दिन एक आदमी ने मुझसे कहा था कि लोगों के लिए 10,000 रुपये ही बहुत होंगे। सन्यासी ने कहा, मगर आज मैं कहता हूँ कि 50,000 से एक पैसा कम नहीं लूँगा। तो राजा अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं था कि अगर मतलब वो 20 दिन तक इतने पैसे देता तो वो पूरा खाली हो जाता, लेकिन जो ये सन्यासी है उन्होंने बोला कि सिर्फ 50,000 रुपये ही चाहिए, फिर भी राजा को देने में प्रॉब्लम आ रही थी। तो राजा ने कहा कि उस दिन तो जो एक इंसान आया था वो सिर्फ 10,000 ही मांग रहा था और आप आज 50,000 मांग रहे हो। तो इस पर सन्यासी ने क्या बोला कि नहीं, मैं 50,000 से एक भी रुपया कम नहीं लूँगा। राजा गिड़गिड़ाया, मंत्री गिड़गिड़ाए, सभी गिड़गिड़ाए, मगर सन्यासी अपने वचन पर डटा रहा। आखिरकार लाचार होकर राजकोष से 50,000 रुपये सन्यासी को देने के बाद ही राजा की जान बची। मतलब सबने बहुत ही रिक्वेस्ट की कि आप मान जाओ सन्यासी, लेकिन सन्यासी अपनी जिद पर ही रहा कि नहीं, मुझे 50,000 से एक भी रुपया नहीं कम नहीं चाहिए। तो आखिर में क्या हुआ कि राजा को उतने पैसे देने ही पड़े 50,000। अगर राजा वो पहले 10,000 रुपये दे देता तो ये नौबत ही नहीं आती, उसे 50,000 भी नहीं देने पड़ते और तभी उसको मतलब पता चल जाता कि नहीं 10,000 में उनका काम हो जाएगा। लेकिन अब वो अपनी जिद पर तब बढ़ा रहा और उसने कंजूसाई की तो अब उसे 50,000 रुपये देने पड़े। पूरे देश में खबर फैल गई कि अकाल के कारण राजकोष से 50,000 रुपये राहत में दिए गए हैं। सभी ने कहा, हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी हैं। तो ये बात पूरे देश में फैल गई कि हमारे राजा इतने अच्छे हैं और उन्होंने हमें इतनी मदद की है ताकि हम लोग अकाल से बाहर आ सकें। ओके, तो ये स्टोरी से हमें क्या समझने को मिलता है कि हमें ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। थैंक यू।